अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 को और 25 को, तो आप हैं अंक 7 यानी केतु की प्रधानता वाले और जानना चाहते हैं आने वाला वर्ष 2024 कैसे होगा आपके लिए। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी द एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट और आज आपसे बात कर रही हूँ आने वाला वर्ष 2024 कैसे होगा आपके लिए। इससे पहले शेयर करूँ, जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ, गिव अस अ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका जन्म हुआ है 7 का, 16 तारीख का और 25 तारीख का, तो ये अंक है केतु से जुड़ा हुआ, नंबर 7। आने वाला वर्ष 2024 अगर इसको आप जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा अंक 8। 8 है शनि का जुड़ा हुआ। 7 और 8 में कुछ ऐसी अनबन रहती है जैसे सास बहू में रहती है, एक साथ रहा भी ना जाए और एक दूसरे के बगैर रहा जा भी नहीं सकता इंसान। 7 और 8, हाउ डू यू स्टे टुगेदर बिकॉज इट्स हार्ड, बट इफ यू कैन मेक इट वर्क, अगर इतना आपको पता चल गया कि दोनों को बना के कैसे चलना है, तब आता है मैजिक। क्या करें, पहले समझिए 7। किसी भी अंक को यूं ही नहीं क्रिएट किया गया। 7 अंक है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, 7 है जो गहराई में जाता है, 7 है जो जानना चाहता है क्यों कैसे, 7 है जिसे कारण समझना चाहिए, 7 है जिसे डिटैचमेंट पसंद है, 8 है जो कहता है तू अपने कर्म कर और नियत के साथ कर, 7 है नियत। तो आने वाला वर्ष 7-8 की कॉम्बिनेशन वाला है। अगर आप नंबर 7 हैं तो अगले साल आपको क्या अनुभव होने वाले हैं, सबसे पहले अपने मन में अपने कर्म के प्रति कर्मठता ले आइए। आप काम करते हैं, कड़वाहट रहती है, काम करते हैं इसलिए कि बोझ है, काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज भाती है, एकांत, लेकिन काम जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप काम को सेवा समझ के करें तो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है। ये अंक 7 और 8 का कॉम्बिनेशन बहुत एक्सट्रीम भी हो सकता है। कैसे, आपको जो चीज़ें चाहिए थी, आपको डिटैचमेंट, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी अटैचमेंट भी मांगती हैं। नंबर 7 है अगर आप, 7, 16 और 25 का जन्म है आपका, अगले साल 2024 आपको कुछ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, जैसे 2023 में आपको एक नए अनुभव हुए लेकिन शॉर्टकट्स आपके लिए नहीं बने हैं। 7, 8 और 9 वालों के लिए खासतौर पर 7 और 8 शॉर्टकट्स नहीं हैं। आपको अपने काम के प्रति डिसिप्लिन होना है। आप काम जिम्मेदारी और बोझ समझ के नहीं कर सकते, आपको काम इसलिए करना है क्योंकि जस्ट लाइक अ फ्यूल, गाड़ी को कहीं ले जाना है तो उसमें गैस तो भराना पड़ेगा। वैसे ही 7 अंक, अगर आपको अपने अंदर या जीवन में वो मोक्ष चाहिए, अपने कर्म को अपना दोस्त बनाइए। नंबर 7, अगले साल आप, वैसे भी रिसर्च आपको बहुत पसंद है, आ गया आपका साल, जैसे 2023 में अगर आपने अकल से जुड़कर कुछ काम किया तो बहुत अच्छा रहा, 2024 में भी अब आप गहराई में उतर सकते हैं। औरों को शायद दिक्कत आए लेकिन अगर आपने ठान लिया आपको वास्तु से जुड़ना है, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी, रेकी, हीलिंग, टीचिंग, रिसर्च फील्ड से, तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप डिटेल ओरिएंटेड भी हैं। और अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं या सर्जन हैं, एनालिसिस के जॉब से हैं, एनालिस्ट हैं, उन सब के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर आपके काम में ये सब चीज़ें नहीं शामिल हैं, आया आपको शौक नहीं है, तो ये ज़रूर कहूँगी कि आदत बना लीजिए किसी भी काम को बगैर रिसर्च के नहीं करना, और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी नीयत अच्छी हो, नीयत सेवा भाव की हो, क्योंकि नंबर 7 इंटेंशन और नीयत ही है। अगले साल अगर आप रियल स्टेट से जुड़कर काम करना चाहते हैं, और यूं कहूं तो अगर मूवी इंडस्ट्री से भी जुड़ के काम करेंगे आप बैक स्टेज, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने मन की शांति से जुड़कर अगर आप योगा और मेडिटेशन करेंगे वो आपकी सेहत को भी ठीक रखेगा। नहीं तो अगले साल सेहत के दृष्टिकोण से हो सकता है एक डर जो आपको रहता है, नींद नहीं आती, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाए, ऐसा लगेगा फीलिंग ऑफ लॉस कि अंदर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि अचानक से जो कल तक चीज़ें आपको नहीं चाहिए थी अब वो आज तुरंत अभी चाहिए, वो फीलिंग जो चेंज होगी। 8 है तो आपको अपने कर्म को ठीक रखना है, अपनी नियत को ठीक रखना है, अपने अंतर्मन से जुड़िए, धीरे धीरे आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। कहीं ना कहीं यूं कहूँ कि घर में जो ये लूज वायर्स पड़ी रहती हैं आपकी, जो लूज टेक्नोलॉजी है, अनयूज टेक्नोलॉजी है, इधर उधर आपने फैला के रखी हैं, वायर्स रखी हैं, नाइव्स रखी हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो यूज़ नहीं किए, या बहुत सारे ऐसे यूं ही पड़े हैं,
इकट्ठा करिए, उनको घर से निकालिए, वो आपको 7 और 8 की एनर्जी को बैलेंस करेगा। अभी हमने बात करी कौन से करियर्स में, कौन से एरियाज में आपको फोकस करना है या ग्रोथ मिलेगी। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा बहुत सूट करेगा। जहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो ये कि अगले साल हो सकता है जॉब से दिक्कत आए या फाइनेंसिस में अचानक से रोक आ जाए, आपके पैसे कहीं अटके हुए पड़े हैं, उसको मिलने में देरी हो रही। किसी को लोन मत दे दीजिएगा, किसी के साथ पार्टनरशिप मत करिएगा, उसमें हो सकता है दिक्कत आ जाए या पैसे डूब जाएं। खुद से काम करें, अगर स्पाउस के साथ बना के चलते हैं या पार्टनरशिप ऑलरेडी है, वर्क की तोड़ने को नहीं बोल रही हूँ, प्रोफेशनल पार्टनरशिप अगर नई शुरू कर रहे हैं तो अभी मत करिएगा। पर्सनल रिलेशनशिप्स में सावधानी बरतिए, अपना विश्वास बना के रखिए। और जब मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ वो प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल पे ध्यान देना है। प्रोफेशनल में बनाने से पहले कहूँगी कि स्टे अवे, अब अगर है तो उसको तोड़ना नहीं है। नंबर 7 को एकांत पसंद है। नंबर 7 सब छोड़ के भागना चाहता है क्योंकि उसको सिर्फ मोक्ष चाहिए या अपने अंतर मन की खुशी चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, जैसे दिया चले अंधेरा होता है ना, नंबर 7 अगर भागेगा जिम्मेदारियों से तो उसको मन की शांति नहीं मिलेगी। लेकिन कीचड़ में खिले कमल की तरह अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है प्यार से, तो उसको वही मुक्ति मिलती है, वही मोक्ष मिल सकता है। नंबर 8 का साल है अगले साल, तो नंबर 7 वालों को भी कहूंगी, यूं तो 2 और 7 एक दूसरे को बहुत मिरर करते हैं। मन आज अच्छा है तो कल मन खराब है, लेकिन आप भी 24 लिख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड में वीनस माउंट पर नीले रंग की पेन से। और अगर आप नंबर नहीं लिखना चाहते हैं, एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेवा करिए, अपने नॉलेज का सही यूज करिए, रिसर्च को यूज करिए, वो आपको सूट करेगा। रंगों के मामले में लाइट ब्लू आप यूज कर सकते हैं, एमेथिस्ट के कलर्स आप यूज करेंगे, एमेथिस्ट भी छोटा सा अपनी टेबल पर आप रख सकते हैं। लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए, आप लाइट येलो कलर यूज करें। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ आपसे। और रोजाना अपने गुरु का नाम ले लीजिए, गुरु को नमन करिए, और नहीं तो अपने वर्क डेस्क पर जहाँ आप काम करते हैं राइट हैंड की तरफ गोल्डन फ्रेम में गुरु की तस्वीर को रख लीजिए। नहीं तो अगर हो सके तो साल में एक बार गुरु से मिल के आ जाइए। ये ऑटोमेटिकली जितने भी आपके ग्रह हैं या कर्मों की पीड़ा है वो काट देता है। खासतौर पर अगले साल अगर अब तक सीखने का शौक था, नहीं कर पा रहे थे आप, तो आपको मौका मिलेगा अध्यात्म से जुड़ने का, टीचिंग से जुड़ने का। बेस्ट रेमेडी है जो मिला ऊपर वाले का शुक्राना। जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, आपके जीवन में जो आपका वो एटीट्यूड है ना, ऐसे बदलेगा, विल बी लाइक अ मैजिक। 2024 नंबर 7 की दृष्टिकोण से रिसर्च आपकी रेमेडी है, सेहत भी ठीक रखेगी और धन की भी बढ़ोतरी होगी। ग्रेटिट्यूड तो आपको अपने पूरे जीवन में ये मान के चलना है कि अगर ग्रेटिट्यूड का दामन छोड़ा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अदरवाइज विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी एंड प्रॉस्परस 2024। आने वाला वर्ष 2024 आप और आपके परिवार में सबके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहे। टेक केयर।